कांग्रेस पार्टी से पार्षद मोहन खेड़ा उस समय चर्चा में आ गए जब अतिक्रमण के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंक रहे थे। तभी इस दौरान पार्षद अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, इस दौरान कई घरों को तोड़ा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसी के तहत कांग्रेस ने सीएम धामी का पुतला फूंका और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं विरोध के दौरान भूरा रानी के पार्षद मोहन खेड़ा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए, जो कि चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे मामले पर उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने सफाई देते हुए कहा कि मुंह से निकल गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का मुद्दा बनने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी कैसे लगा देंगे भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी कैसे मुर्दाबाद? कांग्रेस पार्टी के तो लोग यहाँ पे आए हैं क्या नाम है, जनता के लिए, जो जनता का उत्पीड़न हो रहा है। अब वो गलती से मुंह से निकल गया, बाय स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, इसको कोई मुद्दा बनाने वाली बात नहीं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।